परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है। करोड़ा बार जिन्ना ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, अपनी भगती दा दान दिता, अपने जश करन दा मौका दिता है, खूह दे डड्डू नूं बाहरली दुनिया दी कोई सार नहीं हुंदी, समझ नहीं हुंदी गी। इसे तरह साडा विषय बकारां दे विच मन इतना मस्त हो गया है, इहनू परमात्मा दे सुख दी, परमात्मा दे मिलाप दी कोई सार नहीं, समझ नहीं, उहदे कोई फायदे दा नहीं पता गा। ये दिन रात विषय बकारां दे विच, शराबा कबाबा दे रसां कसां दे विच मस्त होया बैठा है, अपने घर नूं भुल गया है, और होर तां होर ये अपनी मौत नूं भुल गया है। असीं सदा ही उस परमात्मा सावण कृपाल दे चरणा विच नमस्कार करदे हैं कि हे परमात्मा, सानू तू सच्ची बुद्धि दे, विवेक बुद्धि दे, असी तेरी महिमा नू, तेरे प्यार नू, जो तू शांति जीवा नू देण वास्ते आउणा है, समझ सकीए, पा सकीए कि हे परमात्मा, बड़े बड़े ऋखी मुनि, जपी तपी योगी तेरी महिमा नू समझ ना सकिया, तेनू कोई पा ना सकिया, तू साडे ते रहम कर, दया कर, ताकि असी तेरे प्यार नू समझ सकीए। साडा भी जिहड़ा भुलड़ मन है, ये किवें ना किवें तेरी भगती विच लग सके। वो तद ही लग सकता है जे खुद ही तू साडे ते दया करें, मेहर करें, क्योंकि साडे मन दी उल्टी चाल है। ये संसार दे छिन भंगर सुखां नू सुख समझी बैठा है, इस दुनिया तो परे ये कुछ समझण दी कोशिश नहीं करदा गा। हालांकि असी दुनिया दी असलियत रोज देखदे हैं, प्यारे साडे साथी साथ छड्डी जांदे हैं, किस तरह आपां एक दूसरे नूं खुद ही शमशान भूमि दे अंदर छड्ड के आउने हैं, खुद उस दे आपां उत्थे डक्के तोड़ के सिटे आउने हैं कि तेरा साडा जो तलक है वो टुट चुकिया है, समाप्त है। बहुत सारियां कौमां करीर दी झाड़ी दे उपर, कंटिया वाली दे उपर पैर रखदे हैं कि अज सानू तू एक कंडिया दी तरह चुभदा है, क्योंकि घरों मुर्दा कढ़ना तुहानू पता है कि काफी घर वालियां वास्ते मुसीबत बन जांदा है। हालांकि असीं सारी जिंदगी उहदे नाल प्यार करदे हुंदे हैं, बहुत सारे सूबियां दे अंदर निम दा पत्ता तोड़ के चबदे हैं कि अज तू सानू निम जिन्ना कौड़ा लगदा है, लेकिन असीं सब कुछ अखां नाल देखदे हैं, फेर किहड़ा असीं मन दे उत्ते कोई असर करदे हैं कि एक दिन ये वक्त साडे उपर भी आएगा, सानू देख के भी इस तरह नफरत होएगी। संत सानू दसदे है कि जिस शरीर नू देख के असी फुले नहीं समाउंदे गए, अपनी दिन रात सिफरत करदे हैं कि असी सोहणे हैं, असी बुद्धिवान हैं, तो महात्मा कहिंदे है कि शरीर जो है ये गंद दे कुजे तो वध कुछ नहीं गा। तुसी देखो अखां चो भी मैल आउंदी है, नक चो मैल आउंदी है, कन्नां च मैल है, मूंह च मैल है, तो एक गंद दा थैला इकट्ठा होया है। रविदास जी कहिंदे है कि एक मिट्टी दा पुतला है, किवें यह दौड़िया फिरदा है, नचदा फिरदा है, जद इस नूं कुछ मिल जांदा है ये खुश हुंदा है, हसदा है,
जब कुछ खुस जाता है, कर्ज मरग हो जाती है या होर घाटा पै जाता है, फिर रोंदा साह तक नहीं लेंदा गा। सो किवें दौड़ा फिरदा है, ये अखां नाल देखदा है, कन्नां नाल सुनदा है, लेकिन फिर भी कन्न ते जूं नहीं रिंगदी गी। कबीर साहब कहिंदे है, जिस तरह मिट्टी घमियार नूं कहिंदी है कि देख तू मैनूं दिन रात रुंदण लग्या होया है, कि कदे ओह वक्त अखां अगे लिआंदा है कि एक दिन मैं भी तैनूं इसे तराब विच रूंद लेना है। तो कबीर साहब ने कहा, जेड़ा तन है एक कागज की पुड़ी तो वध नहीं गा, कागज के उपर पानी पै जाता है फौरन गल जाता है। इसे तरह साढ़े जिन्हां ने नाल जन्म लिया हुंदा है, दंद है, कन्न है, अखां हन, ये साढ़े वेंद्या वेंद्या साडा साथ छड़ जाते हैं, बुढ़ापे च आके दंद भी साथ छड़ जाते हैं, अखां तो कम दिसन लग जाता है, कन्ना तो उच्चा सुनन लग जाता है, लेकिन फिर भी असी ये सोचते हैं कि शायद ये लोगों नाल ही हुंदी है। हालांकि असी देखते हैं वो मन फेर साडा सिर फेर जाता है कि शायद साडे वास्ते तां शराबां कबाबां विशे बकार ही हन। सो सानू उस परमात्मा दे अगे, गुरुदेव दे अगे सदा अरदास करनी है कि हे परमात्मा तू ही सानू बख्श, बुद्धि दे ताकि असी समझ सकीए, आपदे जीवन नू तेरे चरणा विच ला सकीए। थोड़े अगे गुरु नानक देव जी महाराज दा छोटा जिहा शब्द है, गौर नाल सुन वाला है, क्योंकि जिंदगी दे विच संसार विच आपां आए हैं, ऐसा कुछ संसार दी रीति दे विच सानू संतां नू गुरुआं पीरां नू सब कुछ ही करना पैंदा है, जिंदगी च विआह ते भी जाना पैंदा है, शादियां वगैरह ते, मौत ते भी जाना पैंदा है। इसे तरह गुरु नानक देव जी महाराज एक मृत्यु दे समय किसे पर गए, किसे प्रेमी दे, उत्थे बहुत सारे सेवकां ने सवाल किया कि महाराज जी ये प्यारा बड़ा बोलता सी, हसदा सी, थोड़े चिर इहदी देह बड़ी खूबसूरत सी, अच्छी सी, देखण दे काबल सी, हुण की हो गया, इहदे बोलण वाला जिहड़ा सीगा उह किधर गया, इहदी देह इन्नी जल्दी डरावनी क्यों हो गई है, सानू पता है कि किस तरह मुरदे दियां अखां आपां देख लईए तो कईआं नूं रात नूं सुपन विच वी डर लगण लग जांदा है, उस वेले वी उह भय भीत हुंदे है कि मुरदे दी शकल कैसी है, किहे जिहा उहदा रंग हो जांदा है, किड्डी छेती तब्दील हुंदा है। तो गुरु नानक देव ते उहनां प्रेमियां ने सवाल कीते कि वह जीव जिहड़ा है वह किधर चलिया गया, ये ऐसी कहड़ी इहदे विच ताकत सी जिहदे होड़ करके इहदी देह इन्नी सुंदर लगदी सी, किस तरह यह लत्तां दे नाल दौड़ा फिरदा सी, मूंह ना मिठे बचन बोलदा सी, हथ हर अंगे दा काम करदा सीगा, वह की हो गया, वह किधर गया, ऐसी कहड़ी वस्तु है। सो गुरु नानक उहनां प्रेमियां नूं बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे है, गौर ना उहनां दा शब्द सुनण वाला है, क्योंकि संत महात्मा नूं कुदरतों ही नॉलेज हुंदा है, परमात्मा दी तरफों ही, वो जिथे भी जांदे है उत्थों गुण ग्रहण करदे है, कोई तजर्बा करदे है। सो गुरु नानक साहिब जी सानू बड़े प्यार नाल समझाउंदे है, गौर ना सुनो जी। श्री राग महला पहला पन्ना नंबर 19। सुनी देह डरावणी जा जियो वेचों जाए, सुनी देह डरावणी जा जियो वेचों जाए। गुरु जी,
नानक साहब कहते हैं कि जिस तरह एक इंजन की बाडी है वो कलाकार ने वो दे अंदर हर पुर्जा लोड़ मुताबक कि तेल जाना है करंट जाना है ये इसनों हरकत देवेगा करंट जड़ा है बढ़ाए है जत वो जर्जर हो जाता है या कई दफा नवे च भी नुक्स पै जाता है जद ओदा करंट जड़ा है वो खत्म हो जाता है इंजन की बाडी उस तरह होंदिया हैं वो नाड़िया वगैरह जो भी उस दे अंदर कार्बोरेटर वगैरह लग्या होंदा है तेल साफ करने वाला जिस तरह साडा मेदा है ये भी एक शरीर का हैडक्वाटर होंदा है हर पासे खून सप्लाई करता है किवें मेदे विचों रस बनता है जब उस मेदे अंदर कोई नुक्स आ जाता है नाड़िया के अंदर जो रस ताकत बनती है वो जानो हट जाता है खून दौरा करनो हट जाता है तो डॉक्टर उस वेले जवाब देंदे है कि भई मेदा कम नहीं करता गा जदों तेल मुक जाता है दीवे दे विच्चों आपां किन्ना क चिर उस नूं दीवे नूं भरांगे इस तरह जब मेदा कम करनो हट जाता है बड़े आरजी जंतर बनाए हुए है कि इस नूं ये ला दिओ हल टिक हो जाता है उहदे वास्ते असी बड़े अजकल विज्ञानक युग है अंदर बड़े अच्छे आले फिट कर दिने हैं लेकिन आखिर एक दिन मौत की घंटी जरूर वज जाती है जिन्ना मर्जी कोई यतन कर ले पैसा खर्च कर ले जंतरां दे सहारे प्यार रवे सो इस वास्ते आ प्यार ना कहिंदे है जिवें ओ शरीर इंजन दी बाडी पई है ओदे अंदर कलपुर्जे कम करनो हट गए है ये शरीर भी एक बाडी है गुरु नानक कहिंदे है इहदे अंदर भी ये कलपुर्जे है किस तरह इहदा मेदा जिहड़ा है ये रस बनाउंदा है खादे पीते दा किस तरह उहदे अंदर नाड़ियां सारे शरीर दा कनैक्शन है किवें खून उहदे विचों दौरा करदा है हर हिस्से नूं वो ताकत जांदी है और एक दिन वो सब नाड़ियां कम करनों हट जांदियां हन शरीर दी जो ताकत है करंट है जो दिल है इहदी मदद करदा है हर एक जगह वो खून वगैरह पहुंचाउण दी ਇਹ ਧੜਕਣੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਧੜਕਣੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ सारे ही आपां जे मुरदे नाल लग जाइए नहाउण दी कोशिश करदे हैं कि मुरदे नाल लग गए हैं मैं बहुत सारे परिवार देखे है एक घर दी वड्डी मेरे पिछले पिंड दा वाकया है बजुर्ग गुजर गई और उसे घर च एक बजुर्ग गुजरिया एक कठी मौत हुई सी हुण जिहड़ा पोते पड़ोतरियां वाला है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਹਾਂ ਬਾਲੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕੁਛ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੜੋਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲਵਾਓ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ तो एक लड़की जिहड़ी उहदी माता सी उह बोल पी कहण लगी इह तां तवीत पाया मुरदे दे नेड़े नहीं होना मैं भी उहदे विच शामिल सी मैनू बड़ा हासा आया कि एडी छेती इहदे भाग खराब हो गए बई उही मैं कहा तुहाडी पड़दादी है पड़दादा है जिहड़े तुहानूं चक चक के खड़ाउंदे हुंदे सीगे ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤਵੀਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
उस वेले देह है जिहड़ी गुरु नानक साहिब कहिंदे आ कि प्यारे हो उहनूं कीमती शरीर दे अंदर करंट कह लो जौहर कह लो, संत भाषा च उहनूं आत्मा कह दिंदे हैं, क्यों ना उहदी खोज कीती जावे कि कहड़ी उह पवित्र चीज़ है, किस लवाटरी दे अंदर वड़ के असी उसकी खोज करनी है, किस इंजीनियर कलाकार दे द्वारा जिसने मसला हल किया है, संत पातशाह च उसनु गुरु या रहबर या मुरशद कहिंदे है कि उसनु मिलके असी खोज करनी है, ताकि इस आत्मा नु असी उस जगह पहुंचा सकीए जिथे ना तो यह वार वार इस देह दे विच आवे और ना ये जमड़ मरण के दुखों में पवे। तुसी गीता नू पढ़ के देखो, कृष्ण नू कृष्णा जिहड़ा वो किस तरह अर्जुन नू कहिंदा है कि ये आत्मा ना इनू अग जला सकती है, ना तलवार कट सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, ये सदा अमर है। शरीर साडा जन्मदा है मरदा है, ये इस तरह है जिवें आपां कपड़े पहले ला दिंदे आ दूजे पा लैंदे हैं, फिर सवाल आपां करदे हैं कि जी वो पुराने कपड़े तां हर इक उतार दा है, बुढ़े तां मरदे है जवान क्यों मरदा है, वो प्यारे वो कई दफा ऐसा भी हुंदा है आपां नवें कपड़े बना के लियाने हैं वो अपने फिट या अपने पसंद नहीं हुंदे गे, वो नवे किसी नूं फड़ा दिंदे हैं कि मेरे पसंद नहीं, अजे आत्मा ने शरीर अंदर प्रवेश नहीं किया हुंदा गा, वो पहला उड़ारी मार जाती है। जेड़ी अकर्ता है अभोगता है जमड़ मर्द तो रहत है, वो आत्मा ये शरीर दे पिंजरों में आके कितना कष्ट उठाती है। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी बेशक जमण मरण दे विच नहीं आउंदी गी, इस नूं अग्नि साड़ नहीं सकदी गी, जल डबो नहीं सकदा गा, पर जैसे पिंजरे विच है लोहा अग ना जलदा तां नहीं, पर अग दा ताता उस नूं सहना पैंदा है ना, दुखी तां हुंदा है ना। इसे तरह बेशक आत्मा साडी मरदी नहीं, पर जिस दुखां दे पिंजरे विच ये आत्मा कैद है, आखिर वो सेकता है, इनू लगता ही है, ये जड़ा विछोड़ा है दिन रात मौत दा पदेश दा, ये नजारा तो ये देखती है। इस वास्ते गुरु साहिब उन्होंने जवाब देंदे है कि देखो प्यारे हो, वो आत्मा इतनी कीमती है कि जड़ी मुल नू नहीं मिलती गी, पैसे ना आप खरीद नहीं सकते, अगर मुल नू मिलदी हुंदी तां अमीर लोग संसार चो कदे भी ना पूज करदे, वो किसे नू पैसे दे के आत्मा लै लिया करन तो ज्यौंदे ही रहन। रिखियां मुनिया ने बड़ा तप अभ्यास कीता, योग कीते, लेकिन कोई मौत ते जित प्राप्त नहीं कर सकया गा, मौत दी घंटी उहनां ते भी वज गई। इस वास्ते संत महात्मा सानू प्यार ना कहिंदे है कि ये मसला ना जप ना ना तप ना ना पूजा पाठ ना ना हठ योग दे नाल ये तुसी हल नहीं कर सकते गे, ये हल सिर्फ ऐसे तुसी मुर्शिद नू मिलो जिन्हें मसला हल किया है, वो थानू दसेगा कि देह दे विच प्यारे हो एक ही दफा आइए तो वार वार सानू आना नहीं पैंदा। ये नहीं संत कहिंदे कि भी एक वार भी तुसी संसार नहीं छड़ोगे, क्योंकि जो उपजया सो बिनस है परयो आज के काल, जेड़ा पैदा हुंदा है क्योंकि संसार मौत पदेश दा है, परयो आज के काल, कोई अज जाना कि ने कल जाना है, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, कहिंदे तुसी की करो वो परमात्मा की आवाज नू सुनो जिहड़ी दिन रात तुहानू अपनी तरफ बुला रही है। तो कहण लगे ये जितने भी तुहाडे झंझट है
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां नूं छड के उहदी भगती करो जी। सुनी देह डरावणी जा जियो वेचों जाए बाहे बलंदी वंजवी तू ननिक स्यो काए। हुण आप प्यार ना कहिंदे है कि महाराज जी जिस तरह अग्नि जल्दी है उहदे विच धुआं निकलदा है जद उह आत्मा शरीर दे अंदर है किस तरह शरीर दे विच जिहड़ा धुआं बचना दा निकलदा है बोलदे हैं हरकत करदे हैं कि उह हुण धुआं वगैरा जिहड़ा है इह शरीर दे विचों कोई आवाज़ नहीं निकलदी कोई बोलदा नहीं ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹੇ ਬਲੰਦੀ ਵੰਜਵੀ ਤੂੰ ਨਨਿਕ ਸਿਓ ਕਾਏ पंचेरुन्ने दुख परे बिन से दूजे पाए। संसार दे विच पंजे केड़े है माता है पिता है स्त्री है पुत्र है पति है वा लेवे कारण रोवा है ਇਹ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਲੇਵੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਟਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਪੰਚੇ ਅਜਰਾਇਲ ਅਡਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕਾਇਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰਾਇਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਵਰਾਇਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਮ ਰਾਜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਾਈਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਹਿਣੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਲਈ ਹੈ ਤੋ ਦਹਿਣੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਏ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਧੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਮਾਈ ਚੱਲ ਭੈਣੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਤੋ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ
लेकिन साड़ी की हालत है, गुरु खिंच के ले जे ये ओदी दया है, ओदी मेहरबानी है। लेकिन असी ये प्रैक्टिस दे चोर हुन्ने हैं, इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है पंचे रोने दुख परे, वो आपो अपने उन्होंने दुख हुंदा है, काल दे एजेंटा नूं जेड़े काल दे जीव है धर्मराज नूं अट दुख हुंदा है कि गुरमुखां दी शरण जाके ये जीव बच गया है। तो तुलसी साहब ने कहा सी जद जीव दोनों अखां दे दरमियान आउंदा है, क्योंकि मौत साडी पैरां दे तले तो शुरू हुंदी है, हौली हौली साडा शरीर सुन हुंदा तुरिया आउंदा है, आखिर जदों अखां दे पिछे आ जांदी है आत्मा उडारी मार जांदी है, असी कहने हैं ये मर गया है। हुण अगे की हाल हुंदा है, जे तां कोई गुरु है पीर है तो वह दाएं पासे बैठा है, आत्मा गई तीसरे तिल ते उन्हें सामली, अगर नगुरी आत्मा है तो जदों तीसरे तिल ते पहुंचती है बाएं पासे काल है जिहड़ा आवाज दिंदा है तैयार बैठा हुंदा है, तो आत्मा उहदी जड़ विच जांदी है, उस वेले की है अखां चों पानी चल पैंदा है। तुलसी साहब कहिंदे काल दाड़ में आए जवानी तब ठरके नैनन से पानी, उदो अखा चो आप सार पानी चल पैंदा है, जवान गूंगी हो जांदी है, अंदर कष्ट मिलते है, बाहर बोल के किसी नूं दस नहीं सकता, अगर दसदा है तो घर वाले सवाए रोण तो वध होर बेचारे की इलाज कर सकते है। जिन्हां नूं इह नहीं पता कि मौत दा फरिश्ता आया किधरों, वो कन्न फड़ के जीव दा लै किधर गया, वो की साडी मदद करनगे। कबीर साहब ने कहा सीगा आसी पासी जोधा खड़े सभी बजावे गाल, ते मंज महलो लै गया ऐसा काल कराल, गारदां लगियां लगाइयां रह जांदियां हन, गन्ना पकड़ियां पकड़ाइयां रह जांदियां हन, वायरलसां लगियां लगाइयां रह जांदियां हन, कोई संदेश नहीं किते पहुंचा सकदा गा, वी हुण फरिश्ता आया उदों ही पता लगदा है कि जद मंज महलो लै गया ऐसा काल कराल, ऐसा उस सख्त है की मदद करूगा भाई कोई। हुण मदद करन वाले ना प्यार नहीं, असी लोड ही महसूस नहीं कर देंगे कि कोई मदद भी इस टाइम कर सकता है। इसे वास्ते गुरु नानक ने कहा सीगा सज्जन से कौन सज्जना जिहड़ा औखे वेले काम आवे, जो चलदिआं नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन। अगर आपां बाहर जंगल दे विच भटकदे फिरदे होईए किसे पासे राह ना लभे, उस वेले कोई अपना सियाणू मिल जावे प्रेमी मिल जावे किन्नी खुशी हुंदी है। यही हालत आत्मा दी है उदों कष्ट भरे वक्त दे विच जद गुरु दा दर्शन हुंदा है अंदरों आत्मा गदगद हो जांदी है। तो मैं दस्या सी बाहर तां माता पिता भैण भरा रोंदे है, अंदर जो आत्मा ना हुंदी है वो आत्मा ही जानती है। तो गुरु उस वेले मदद करता है जिथे कोई भैन भरा धन दौलत जिहदी खातर सारी जिंदगी कीमती असूल कुरबान करता है, तो घर वाले वध तो वध जे मेहरबानी करनगे तो कहिंदे आ तू रखिया रखाया दस दे तरिया तराया। मैं तां इत्थों तक देखिया बुढ़िआं नूं चक के कचहरियां च लै जांदे है के वसीत ते गूठा ला दे। एक बुढ़े दा वाकया सीगा, उहदे नां विचारे दे पंजाब दे विच कोई किला क जमीन सी, हुण तुसी देख लो कई भरा सन, कोई खास नहीं सी, कोई 25-26 हज़ार दा उहनां दिनां दे विच उह मुल वटा सकदी सी। उहनूं कहिंदे तू जमीन ना करा दे, हुण बुढ़े कोले विचारे कोले उतनी पूंजी सी, उहने कहा जमीन ना कराई मैनू इहनां ने रोटी नहीं देनी। उह कहिंदा कि बाबे कोले लै चलो, उहनां ने ऊंट गड्डी ते बिठाया बाबे कोले लिआंदा,
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਏ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਧਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਬਈ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤਕੜਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰ। ਪੰਚੇ ਰੁਨੇ ਦੁਖ ਪਰੇ ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਊੜੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ ਮੂੜੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਦੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮੂੜੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ ਮੂੜੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਸਾਰ ਓਮੇ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਅਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਜਦ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਉਣੋ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮਾਪਿਆਂ ਕਨੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ
औरत का नाम हुंदा है तो बहुत सारिया लड़कियां ये सवाल उठा लेंदियां हन ये तो औरतां ही है कि इस तरह। मैं कहना नहीं, देह धार के औरत और मर्द दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा गा। तो इस वास्ते वो कहिंदे तू यो कर, ये खा ली कुछ जाके, फिर तू देखी भला किन्ना क प्यार है। उन्हें ऐसा उहदे विच संता ने कोई नशे वाली आपदी दवाई पा दित्ती, घरे जाके बेहोश होके पै गया। पर कि तेरी सुनण शक्ति जिहड़ी है वो कायम रहेगी। देखिया बाहरों आया सी, पता नहीं की हो गया की हो गया। वैद नूं बुलाया, पासे आसे घर आले बुलाए, वो बोलिया ना। भज्जे चलो संता कोले चलीए, शायद ओही कोई इहदे उत्ते दम कर देणगे। संतां कोले गए, कहण लगे भी ये कोई गल है, मैं हुण जिंदा कर दिना। घर वाले नूं कहिंदा तुसीं पाणी लियाओ, याद रखो पाणी इहो जिहे घर विचों लियाओ जिथे कोई मौत ना होई होवे। और पानी मैं मंदिर दूंगा, ये भी एक शर्त है कि पानी पीण वाला मर जाएगा, ये जिंदा रह जाएगा, ये उठड़ेगा। हुण संता कोले पानी लिया, वो कहण लगे पहला तो उसा घर ना थे, हर एक जिस घर दे विच फिरन, आखण जी साडे तां मौतां बड़ियां होईयां, दादे पड़दादे सब मरे हुए है, पहला तां पानी मुश्किल। अखीर उन्होंने घरों ही भर के कहन लगे भी चलो, संतां नूं कहड़ा पता है, लेकिन संतां दी बात दे विच बड़ा राज हुंदा है। वो कहन लगे चलो भाई तुसीं घरों ही भावें लैंदा लै मंदिर दिने है। उन्होंने दो चार बनौटी जीआं फूकां मार के कहन लगे लै भाई तुसीं जिहड़ा पीवेगा वो मर जाएगा, ये उठ खड़ेगा। पिता नूं कहा, वो कहिंदा जी मेरे तां बड़े कम है। मां नूं कहा, उन्हें अनेका कम गिणा दित्ते। औरत नूं कहा, वो कहन लगी जी अजे मैं तां हुणे हुणे तां शादी हुई है, वो सब कुछ सुनी जांदा सीगा। तो कहण दा भाव है गुरु नानक साहिब कहण लगे जगत में झूठी देखी प्रीत। गुरु तेग बहादुर कहिंदे है जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही हित सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबो कहता है हित से बांधे चीत, अंत काल संगी ना कोई ए चर्ज है रीत। मन मूर्ख सिखदा हारियो अजे ना समझो मीत। बड़िया बड़ा संता ने ग्रंथ लिखे, लम्बे चौड़े सत्संग कीते, लेकिन मूर्ख मन नु हाल तक समझ नहीं आउंदी। जी ओम ममता मोहनी सब मूठी अहंकार, जिन्नी नाम विसारिया दूजी कारे लाग। हुण आप प्यार ना कहिंदे है अहंकार किन्हां नूं चिंबड़दा है, मोह किन्हां नूं चिंबड़दा है, जो नाम दा आसरा छड़ दिंदे है, नाम दी कमाई छड़ दिंदे है। हुण गुरु नानक साहिब कहिंदे है कि देखो प्यारियो, जिहड़े लोग सत्संग च नहीं जांदे, नाम नहीं जपदे गे, शब्द नाम दी कमाई नहीं करदे गे, की ओह लोग वेले रह जांदे है? कहिंदे नहीं, उन्हां नूं कोई ना कोई होर लड़ाई झगड़ा होर 100 कम उन्हां नूं पैंदे रहिंदे है, वेले ओह भी नहीं रहिंदे गे। 77 आरवी दे विच मैं मेरा जो सेवक सी भगत, वो बाहरों जिंदा लाउंदा हुंदा सीगा, तो 1 घंटा मैं आम तौर ते शाम नूं साडा सत्संग रखिया होया सीगा। तो उदों 8 तों 9 मैं बाहर आउंदा, जिहड़े प्रेमी सत्संग दे विच आउंदे सी, बीबियां मर्द, वो सारिआं ने भज भज कम करना, भावें खेत दा करदे है भावें घर दा करदे है, वी आपां सत्संग जावांगे, बाबा जी हुण बाहर आउणगे। तो उन्होंने 1 घंटे बाद जान सार फिर सौ जाना भी तड़के आपां कम ते जाना है। लेकिन बहुत सारे आदमी जिहड़े सीगे बीबियां सन, वह सत्संग ते नहीं आउंदे सीगे, वो निंदिया करदे हुंदे। 2 प्रकार दे आदमी हुंदे है। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे कि वह करदे तां पक्के है, भी रहण ना,
वो याद कराते हैं कि बई तुसी वो जाने होने ना सत्संग दे विच, वो गए नहीं तुसी। और बहुत सारे प्रेमी गुस्सा करते हैं, उन्होंने महाराज सावण सिंह को आना, अगे जी सानू ना जो आने हैं लोग ताने कसते हैं। महाराज कहें भी होर हूं वो थोड़ा काम कर दिया भी तुम नाराज हो, वो थोड़े दिन याद कराते हैं भी कितने रह ना जाओ तुसी। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं भाई वो हूं बैठे होया करन, हूं उन्होंने बुढ़िया घरे की कर दिया रात को, जा जवाक कुटना है जा मियां बीबी ने लड़ना है। और वो बंदे बैठे जो इन्होंने कोल दी लंघना सतवीज दी सत्संग सुन के नाले करी जाना भी ये चंगे है अपने नालों, वो सत्संग भी सुनया है काम भी सदेहा कर लेंदे है, ला आपां इत्थे बैठे हैं लड़ी जाने हैं। सो जेड़े नाम नहीं जपते सत्संग च नहीं करते वेले वो भी नहीं बह सकते गे, वो किसी एहे जे कम्मां च लग जाते हैं जी। जिन्नी नाम विसारिया दूजी कारे वो आपका टाइम है जेड़ा पैसे भी लाते हैं शराबा कबाबा च भी लाते हैं लोगों की निंदा करके उस वेले की करते हैं बोझा भी आपके सिर ते चकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कारे लाया होया है जिन्हों के तो परमात्मा दयाल हो जाता है उन्होंने नाम दे विच ला आंदा है सत्संग च ला आंदा है जी। जिन्नी नाम विसारिया दूजी कारे लाग दुबिधा लागे पंज मुए अंतर तृष्णा वो आग। लोग दुबदा चुंदे हैं कदे उन्हों का दिल जड़ा है चलो आपां भी सत्संग कितने चल गए, लेकिन उन्होंने अंदर तृष्णा जाग पैंदी है वो इस पासे आ ही नहीं सकते। गुरु नानक साहब कहते हैं लोभी का वसा ना कीजै जे का पार वसाए अंत काल तिथे तोहे जिथे हाथ ना पाए। कबीर साहब कहें कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए, भगती करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। लोभी आदमी जेड़ा है वो कहिंदा घंटा उत्थे जावांगे उदों नूं कोई कम करांगे आ करांगे। सो इस वास्ते कौन है लालची आदमी, कदे तो वराग उठता है चलो भई आपां भी सत्संग करिए आपां भी नाम जपिए, लेकिन वो दुबदा में दोने गए माया मिली ना राम, उन्हां दे अंदर तृष्णा है। तो तृष्णा अज तक ना कदे किसी की पूरी होई है ना प्यारे हो ही सकती है जी। दुबिधा लागे पचमुए अंतर तृष्णा आग गुर राखे से उबरे और मुट्ठी तंदे ठाग। हुण आप प्यार नाल कहिंदे है कि जिन्हां दे उच्चे भाग हुंदे है बहुत सारे कर्मां दा जद साडा पुन जमा हुंदा है वो परमात्मा उन्हां दा इनाम दिंदा है, उदों भुल्लड़ मन दे अंदर गुरु दे मिलाप दी चाह पैदा हुंदी है अंदर तड़प पैदा हुंदी है। जद असीं गुरु दे उपदेश ते चलदे हैं ये तृष्णा दी अग तों बच जाने हैं। जिहड़े पंज ठग सानू कदे काम ठगी मारदा है कदे क्रोध कदे लोभ मोह हंकार इन्हां तों बच जाने हैं जी। गुर राखे से उबरे और मुट्ठी तंदे ठाग कोई परीत प्यार गया हुआ वैर विरोध। गुरु साहब प्यार ना कहिंदे है बई जिन्हां नूं पूरा गुरु मिल जांदा है वो सानू ये ठगां तों बचा लैंदा है कीड़ियां तों, जिहड़ी असीं की करदे हां किसे नाल प्यार करदे हां किसे नाल हीरखा करदे हां किसे नाल वैर करदे हां बड़ा कुछ असीं करदे हां जिंदगी भर,
लेकिन जब गुरु मिल जाता है, नाम मिल जाता है, क्योंकि जे असी फिर भी किसी ना कोई बुरियाई करते हैं, जो सत्संग दे विच जाके बैठते हैं उदो सिर मारते हैं कि असी नहीं हुण करांगे। कई आदमी लकीरां कट जाते हैं, कसम चुक जाते हैं कि असी किसी की चुगली नहीं करांगे, क्योंकि साढ़े भजन का इन्ना घाटा पै जाता है। इस वास्ते जद भी कोई ऐब छड़दा है, शराब छड़दा है, वो सारे सत्संग दे जरिए ही ठोकर लगती है। विधि चंद वर्गे होर बड़े बड़े जेड़े चोर सन, डाकू सन, वह बई महात्मा की संगत दे विच आके ही वह सुधरे ते महात्मा बने। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि कोई प्रीत प्यार गया की होया, जिन्ना चिकर शरीर दे विच आत्मा सी, किसे ना वैर कीता, किसे ना हीरशा कीती, किसे ना प्यार कीता, किसे नू अपना बनाया कि दे आप बने। जदो शरीर दे विचों आत्मा उड़ारी मार गई है, उदो वैर भी खत्म हो गया, प्यार भी ना हो रहा, क्योंकि जिन्हां नू सी अपना बनाउंदे सी किसे ने प्यार ना कीता, सब कुछ ही खत्म हो गया जी। मोई परीत प्यार गया, मुआ वैर विरोध, तंदा थका हो मुई, ममता माया क्रोध। गुरु नानक साहब ना मित्रां नू कहंदे आ, देखो प्यारे सेवक, धंधा भी उदो खत्म हो जाता है। महाराज सावण सिंह कहते, धंधा किसी ने जीती, सब धंधे जीती। हूँ असी 2 घंटे मालक की याद वास्ते कोई टाइम ही नहीं कटते। कहते फिर की होंदा है, जो शरीर दे विचों आत्मा उड़ारी मार गई, धंधा मुक गया, होमे मुक गई, हंकार मुक गया, लम्मा पिया है, ये तो अंत वेले है। तुसी देख लो, जब 2-4 महीने किते साल बीमारी आ जाती है, वो प्यारे मित्र भी जेड़े नफरत करन लग जाते हैं, जिन्हां दे सारी जिंदगी मुँह च बुरकियां पाईयां हुंदियां हन, वो भी चंगी गल नहीं करते, चंगा सोच नहीं सकते, कोई हादा नारा नहीं मारदा गा। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है, तंदा थका हो मुई, ममता माया क्रोध। जड़ी ममता क्रोध जो कुछ सीगा ये शरीर करके सीगा, जे शरीर ही ना रह किथे है जी। तंदा थका हो मुई, ममता माया क्रोध, कर्म मिले सच पाईए, गुरमुख सदा निरोध। हुण सवाल पैदा हुंदा है, कुछ प्रेमी खड़े कहिंदे सी, क्योंकि संतां दी बाणी आपे आप ही सवाल इहदे विच हुंदा है, एक तुक दे विच दूजी च जवाब है, तो कहण लगे, कईआं ने कहा कि महाराज जी असीं तां हुण सत्संग च ही आवांगे, नाम ही जपांगे। जद आ दुर्दशा है हर एक दी, तो फिर नाम ही जपना चाहिए। गुरु नानक साहब उन्होंने जवाब देंदे है कि देखो प्यारे हो, ये थोड़े अपने अख्तियार दे विच नहीं, किदा जी करदा। गुरु अर्जन देव कहंदे आ, अपन लिया जे मिले विछण को रो वन, कि हे परमात्मा अगर साडे जीवां दे अपने अख्तियार हुंदा तो असी तेथों विछड़ के पूर्व पच्छम उत्तर दक्षण असी क्यों भटकते फिरदे। साढ़े हाथ च कुछ नहीं सीगा, यही हुण गुरु नानक कहिंदा, नहीं भी प्यारे बचियो इउं नहीं गा, जस तुहाडे बहुत साढ़े अच्छे कर्मां दा इनाम वह परमात्मा दिंदा है, उदों तुहानू गुरु नाल मिलाप कराउंदा है। गुरु नानक कहिंदे आ, कर्म होए सत गुरु मिले, सेवा सुरत शब्द चित लाए। कहिंदे जदों साढ़े कर्म साथ दिंदे आ अच्छे, वह इनाम दिंदा है, कर्म होए सतगुरु मिलाए, उदो पूर्ण महात्मा ना मिलाप हुंदा है। सेवा सुरत शब्द चित लाए, जद महात्मा साढ़े ते दया करदे है
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੱਜ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਿਰੋਧ ਸੱਚੀ ਕਾਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਧੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਨ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਨਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੱਗ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਨੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਕਾਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸੋ ਨਰ ਜੰਮੇ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਰ ਜੰਮੇ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਰਧਾਨ ਸੋ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਨਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੇ, ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਜੈਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਨੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਥਰਾ ਫਕੀਰ ਲਾ ਤੜਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਖਾਸ
ਮਿੱਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ ਮਠਿਆਈ ਸੁਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਸੁਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਾ ਤੜਕ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਰਨਾ ਤੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਕੀਰਾ, ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਹਰੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਤੀ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੋ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਏਦੂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੱਢੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾਰ ਪੇਖਣਾ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ, ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟੋ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੰਨੋ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਰ ਨਾ ਜੰਮੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ।